बच्चों की स्थिति बड़ी महान है, ऊंचे से ऊंची है। तो परिस्थितियां तो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जाते हैं, परिस्थितियों को तो अपना अंतिम रूप लेना ही है। जब तक कोई चीज की अति नहीं होती तब तक उसका अंत नहीं होता। इसलिए परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी तब हम साथ करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन परिस्थितियां हमारी स्थिति को डगमग न करें, उसके लिए हम सबको समय निकाल करके अपने आप पर निर्भर करें। जितनी ऊंची स्थिति हमारी बनती है, ऊंची स्थिति किसको कहते हैं, कुछ भी हो लेकिन हल चलना हो, एक रस अचल और अडोल स्थिति, जिसमें कहते हैं यादगार बनाया है। अंगद की कहानी बहुत सुंदर बनी हुई है रामायण के अंदर। राम का दूत बन करके जब रावण के दरबार में जाता है संदेश लेकर के, तो उसको वहां पर रावण सम्मान नहीं देता। पहले तो उसको कहता है कि अरे तुम्हारे बाप पिता को राम ने छल से मार दिया। दिखाते बाली पुत्र अंगद को, तुम्हारे पिता को जिसने मार दिया, छल से मारा, उसको तुम साथ क्यों दे रहे हो। लेकिन वो तो पक्का था, निश्चय बुद्धि था कि भगवान स्वयं साक्षात ये प्रभु लीला चाहते हैं। इसलिए अंगद ने कहा कि मैं तो दूत बन करके आया हूँ और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि सीता जी को वापस कर दो, इसी में तुम्हारा भला है। उसको तो बड़ा गुस्सा है, बहुत गुस्से में आके कहता है इस बंदर को बांध लो। उसको आदर नहीं दिया, सत्कार नहीं दिया, तो उसने फिर अपनी ही पूंछ निकाली और पूंछ पर ऐसे गोल 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 घुमा करके आसन बनाया। और जब वो रावण के आसन से समानता में आ गया तो अपनी पूंछ पर ही ऊंचे आसन पर बैठ गया और फिर रावण से लड़ा और इतनी चैलेंज दे दी कि अगर आपके इस दरबार के अंदर ये ऐसा हो शक्तिशाली जो मेरे पांव को हिला करके देख ले, अगर पांव को हिला देगा तो सीता तुम्हारी हो जाएगी। इतनी बड़ी चैलेंज, जबकि उसका कोई सीता पर अधिकार नहीं था, लेकिन निश्चय अटूट था। राम की सीता को कभी भी रावण की हुई नहीं सकती, इसलिए इतना चैलेंज कर दिया कि हमारे इस पांव को अगर कोई हो शक्तिशाली को हिला के देता है। और कहते हैं जब उसने पांव को जमा दिया तो जितने योद्धा थे उसके सेना में सब ने हिलाने का प्रयास किया, तो कोई भी उसके पांव को नहीं हिला सकता। जब रावण खुद उठा हिलाने के लिए तो क्या किया थे अंगद ने, पांव को पीछे कर लिया और कहा कि तुम मेरे पांव के आगे क्यों झुकते हो, तो राम के पांव के आगे झुको। उसकी इतनी बेइज्जती हुई जो कहते इतना गुस्सा आ गया उसका ताज गिर गया। फिर वो ताज को उठाया और अपने राम के दरबार में फेंक दिया। ये तो कहानी है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये इसी समय की बात है। हम सब बाबा के राम के दूत इस रावण के राज्य में रहते हैं, कोई सम्मान देता है कोई नहीं देता है, समझता ही नहीं कौन है,
कोई विरोध करता है, कोई अपमान कर देता है, लेकिन अगर संपूर्ण निश्चय नहीं है, इसके दूध है, इसका संदेश लेकर के आए हैं, तो किसी के सम्मान की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु बाबा ने बहुत बड़ी पूछ दी है, कौन कौन थे भगवान वाले ने, लेकिन सम्मान इतने ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए हैं, अगर उस सम्मान की स्मृति में हम रहते हैं तो बाबा ने हमें क्या से क्या बताया, कितना सम्मान दिया है व्यक्तियों का, रावण के संप्रदाय का सम्मान मुझे नहीं चाहिए। तो हम उस आसन पर बैठ करके फिर चैलेंज करते हैं कि रावण के राज्य में कोई भी बाप नहीं ला सकता, कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, चाहे वो व्यक्तियों के लिए चाहे भटकती हुई आत्मा, और हम सब बाबा के बच्चों को इस ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। संकल्प को कभी भी क्वेश्चन मार्क न उठे किसी भी बात का, तब तो कहेंगे हमारी स्थिति अच्छा है। कोई भी बिल्डिंग अगर ऊंची बनानी होती है तो उस ऊंची बिल्डिंग को बनाने के लिए उसके फाउंडेशन पर बहुत ध्यान दिया जाए। एक बार विदेश यात्रा पर था, आपने सुना होगा कि जब एक ट्विन टावर गिरे तो जो टावर का स्थान था मुझे दिखाने के लिए वहां ले गए, तो मैंने वहां देखा कि टावर तो बनेगा तब बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा तालाब जैसे बहुत बड़ा पानी भरा खड्डा था। तो मैंने कहा कि इसको इतने नीचे क्यों खोदा है, और इतना बड़ा तालाब बहुत बड़ा जैसे खुदाई करके इसमें इतने फुट गहरा किया हुआ, मुझे बताने लगे कि इसके ऊपर जो ऊंचाई आएगी उसका आधार फाउंडेशन है, जितना गहरा और मजबूत फाउंडेशन होगा उतनी ऊंची बिल्डिंग उस पर खड़ी की जा सकती है। अगर हम अपनी ऊंची स्थिति बनाना चाहते हैं तो बहुत गहरे फाउंडेशन की